समय में कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना को दिल्ली का एटीएम बनाकर रख दिया है। जो टीआरएस ने भ्रष्टाचार किया था वो भ्रष्टाचार का, चाहे कालेश्वरम का हो चाहे भूमि घोटाला हो, एक की भी जांच कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही। टीआरएस और कांग्रेस पार्टी दोनों मिले हुए हैं। और अगर मैं आज कहकर जाता हूं आप तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, मोदी जी तेलंगाना को ये भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाई और बहनों, मुझे बताओ कि यहां पर तेलंगाना विमोचन दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? जोर से बोलो, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? ये टीआरएस और कांग्रेस पार्टी दोनों तेलंगाना विमोचन दिन इसलिए नहीं मनाते हैं कि वो मजलिस से डरते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 17 सितंबर को हम तेलंगाना विमोचन दिन मनाएंगे, हम मजलिस से नहीं डरते। और आज मैं तेलंगाना के लोगों को कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि मुस्लिम रिजर्वेशन जो यहां पर टीआरएस और कांग्रेस ने किया है, हम उसको समाप्त करकर एससी एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये हमने तय किया है। भाई और बहनों, इस बार तेलंगाना की जनता का जो मूड है वो मोदी जी के साथ। तेलंगाना की जनता ने तय किया है कि हर सीट से मोदी जी को कमल को खिलाकर दिल्ली भेजना है। आज मैं तेलंगाना की जनता को विश्वास दिलाने आया हूं कि समग्र तेलंगाना का विकास तभी हो सकता है।